आप सभी का वर्चुअल कक्षा के सत्र में स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये नया अनुभव है। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी, शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज हम व्यावसायिक गणित या बिजनेस मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपका 7th नंबर का चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप कैलकुलेशन सीख सकें, गणनाएं कैसी करते हैं और गणित का जो डर है वो निकालने के लिए हम बीच में से चैप्टर उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात वर्चुअल कक्षा की। कक्षा जो है आपका प्रत्येक सोमवार वर्चुअल कक्षा का एक घंटे का एक पीरियड होगा आपको, जो आपको अटेंड करना है और यहाँ विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञ आकर समय समय पर व्याख्यान देंगे। मैं मोस्टली गणित और अकाउंट्स के लिए आऊंगा। अभी तो ये दो सोमवार जो है मैं आपके लिए आ रहा हूँ। इसके बाद आगे का आपका प्रोग्राम जो है वो दो हफ्ते का प्रोग्राम पहले से चाकआउट हो जाता है, पब्लिश हो जाता है और आप अपने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर देख लिया करें। ज्यादा बेहतर है कि आप नोटिस बोर्ड पर देखने के बाद यदि घर से थोड़ा पढ़ के आएंगे तो वर्चुअल कक्षा का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो सकेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। बिजनेस मैथमेटिक्स या व्यवसायिक गणित आपके पाठ्यक्रम में जो इस वर्ष रखा गया है ये गणित आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो गणित पूछा जाता है वो सब प्रकार के गणित बिजनेस मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स या गणित करने के नाम पर आपने 6th, 7th, 8th और 10th में गणित पढ़ा होगा और उससे बहुत लोगों को डर लगता है और ये डर निकालने के लिए मैं आपके पास आया हूं। गणित में तो है, जैसे अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो 3 गोल्डन रूल्स जो होते हैं वो यदि आपको मालूम है जनरल एंट्रीज के तो अकाउंट्स में आपको दिक्कत नहीं जाती। ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स इसमें भी है, गणित में भी। तो उसकी हम बात करते हैं कि देखिए बीज गणित और अंकगणित दोनों पढ़ना है आपको और बीज गणित जो होता है ये आपकी संख्या के चिन्हों से पहचाना जाता है, चिन्ह माइनस है या प्लस। और सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो प्लस माइनस की करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि चिन्हों का गणित क्या होता है। देखिए चिन्हों के बहुत छोटे छोटे दो नियम। पहली बात यह है कि चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप, प्लस माइनस गुणा और भाग। आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 4 ही बात होती है। जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो क्या करना है ये महत्वपूर्ण होता है और उनका गुणा भाग कैसे करते हैं और जोड़ घटाना कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये सबको हम 2-3 स्लाइड में देखते हैं। पहली चीज जैसे आप आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप कि 2 भागों में समझा जा सकता है, जब संख्याओं को आपस में जोड़ना या घटाना हो और जब संख्याओं जोड़ना घटाने में चिन्ह से आप डिसीजन लेते हैं कि आपको जोड़ना है या घटाना है और जो जोड़ घटाने के बाद जो आपका उत्तर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा ये डिसीजन लेना होता है। इसी प्रकार गुणा या भाग में सामान्यतः जो मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं या डिवाइड जो करते हैं वो सेम अभी आएगा भाई, लेकिन 2 का चिन्ह क्या रहेगा ये चिन्ह का गुणा भाग करके आप तय करोगे। तो वो नियम काहे पे लगाना है गुणा भाग के, जो साइन है उसके कि साइन का गुणा भाग करके क्या आता है। बहुत सरल नियम बनाए हैं, आप चिंता ना करें, बड़ा आसानी समझ में आ जाएंगे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि आप यदि उतार नहीं सकते हैं तो क्लिक कर लीजिए, आपके पास स्मार्टफोन मैक्सिमम लोगों के पास होता है, आप स्क्रीन को क्लिक कर लीजिए, स्क्रीन की तस्वीर निकाल लीजिए, आप बाद में देख लीजिएगा कि वो क्या है, उतार लीजिएगा बाद में। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम चिन्हों संबंधी नियम में। जब संख्याओं को आपस में जोड़ना या घटाना हो, मतलब जब संख्याएं आपस में प्लस माइनस चिन्हों से जुड़ी हो, जो संख्या का एडजॉइनिंग चिन्ह है वो प्लस माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन नहीं हो, देखिए क्या होता है। बहुत सीधा सा नियम है कि जब संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है
और प्राप्त परिणाम का चिन्ह भी वही होता है जो पुरानी संख्याओं का था। समान है तो एक ही चिन्ह था, तो वो जो चिन्ह था वही, जो योग आया आपका, जो परिणाम आया उसका चिन्ह भी वही रहेगा जो पहले संख्याओं का था। और दूसरी बात, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे उदाहरण में कि जैसे पांच में हम चार जोड़ते हैं तो नौ आता है, देखो तीनों प्लस है, या -5 -9, इसको ध्यान से देखिए आप, अधिकतर गलती यहां होती है, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, दोनों संख्या यदि माइनस की आपस में उसी चिन्हों से जुड़ी हुई है तो चिन्ह, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। इसके बाद जब संख्याओं के चिन्ह असमान हो, असमान का मतलब क्या हुआ, एक प्लस है दूसरी माइनस, या पहली माइनस दूसरी प्लस, तो पहले वाले में जहां सेम साइन हो, जहां सेम साइन ना हो, तब क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी और जो प्राप्त परिणाम होगा उसका चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या का था। यहां देखते हैं 5 - 8, बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो घट गया, उत्तर क्या आया, -3, जो 8 का साइन था वही साइन यहां लगेगा। बात समझ में आ रही है, उल्टा होता है इसका, यदि -5 + 8 होता तो देखिए 8 का चिन्ह 3 है, प्लस था तो फिर 3 का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, आप देख लीजिए, ये जो चिन्ह संबंध नियम है इसको चाहे तो आप जो स्क्रीन आपके सामने है उसका एक फोटो निकाल लीजिए, एक क्लिक कर लीजिए उसको, क्योंकि इतनी देर हम रुक नहीं पाएंगे कि आपके ये उतारने का टाइम दें आपको, क्योंकि समय कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा बातें आपको बतानी है मुझे, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी शुरू करना है, ये 2-3 पीरियड मेरे लगातार रहेंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दो बातें समझ में आई, इसमें यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ उठाए या क्वेश्चन कर ले, आप अपनी मैडम से, जो भी मैडम सर जो भी आपके यहाँ हैं उनसे माइक लेके रखिए, जब भी कोई बात हो हाथ रेस करेंगे आप, और माइक ऑन करने का मैं कह दूंगा, यहाँ जो पीछे हमारे रिकॉर्डिस्ट बैठे हैं उनसे कह दूंगा तो माइक ऑन कर देंगे आपका, आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें बीच में हाथ रेस करिए, मैं देख लूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा। चलिए, बुरहानपुर आप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, बैतूल बढ़िया दिख रहे हैं, धार, खंडवा, खंडवा पीजी, ये सब मुझे दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये बात थी प्लस माइनस की, अब यदि संख्याओं का आपस में गुणा या भाग करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, बताया कि मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में आप जो है संख्याओं के चिन्हों का पहले गुणा या भाग करेंगे, बाद में जो गुणा भाग करते हैं जैसे आप संख्या का, उसको तो वैसे ही रखेंगे आप, 4 में 6 का गुणा करना है तो 4 × 6 = 24 या 4 × 6 = 24 वही लिखोगे आप, लेकिन चिन्ह क्या लिखोगे ये महत्वपूर्ण है। तो देखें क्या नियम है, इसमें भी 2 ही नियम है, समान चिन्ह हो तो क्या होगा और असमान, सेम साइन हो और जब सेम साइन ना हो, वही बात जो मैंने आपसे कही, समान चिन्हों का गुणा या भाग करने पर सदैव प्लस होता है, ये यहां होता है माइनस माइनस प्लस, इसलिए माइनस माइनस प्लस दिमाग में मत रखिए, -(-) बराबर प्लस दिमाग में रखिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऋण गुणित ऋण बराबर धन होता है, क्लियर। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि समान चिन्ह, प्लस का प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, आपको मालूम है 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 लिखते हैं आप, दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आया, दोनों माइनस के हैं तो भी उत्तर काय में आएगा, प्लस में आएगा, ये यहां बात ध्यान रखें। चलिए दूसरा, इसका उदाहरण देख लें, जैसे 5 × 7 = 35 या 12 / 3 = 4 पे भी सेम लागू होता है, ये देखिए आप ध्यान से, अब यदि ये माइनस में है, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए -5 × के बाद देखिए ब्रैकेट लगाया गया है, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि -7 लिखना था, तो -5 × -7 = +35, किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं लिखा होता है तो उसे हम प्लस ही मानते हैं, -3 = +4, तो बात समझ में आई आपको।
तो ये बात है कि जब समान चिन्ह होते हैं और संख्याओं का गुणा या भाग करना होता है तो हम उनका गुणा भाग करके जो चिन्ह लिखेंगे वो प्लस लिखेंगे, ऑलवेज दैट विल बी प्लस। और संख्याओं का गुणा भाग तो वैसे ही होगा जैसे आप सामान्य करते हैं, गुणा भाग में कोई अंतर नहीं आएगा। जो 5 में 7 का गुणा करना है तो 35 आएगा, 8 में 10 का करना है तो 80 आएगा, जो गुणा करते हैं आप वैसे ही करेंगे। चलिए, इसमें सेकंड नियम है, जैसे यहां देखा था समान चिन्ह हो तो, सेकंड है असमान चिन्ह हो। असमान का मतलब क्या हुआ, जो सेम ना हो, यानी एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, कोई सा भी प्लस कोई सा भी माइनस, पहले वाला प्लस है कि माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले वाला माइनस है दूसरा प्लस है, पहले वाला प्लस है दूसरा माइनस है, सब कुछ भी हो तो भी उत्तर सदा काय में आएगा, माइनस में आएगा, ये याद रखिएगा आप। देखिए असमान चिन्हों का गुणा या भाग करने पर सदैव माइनस आता है। जैसे अब यहां देखें वही उदाहरण को, -5 × 7 = -35, -12 / 3 = -4, क्योंकि 12 का चिन्ह जो है वो माइनस है, 3 का चिन्ह प्लस है, असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह है तो चिन्हों का भाग करने या गुणा करने दोनों पर सेम नियम लागू होते हैं, ये रूल्स सेम आपके अप्लाई होंगे, चाहे वो गुणा हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या डिवाइड करना हो, आपको भाग देना हो। ये जैसे पहला या दूसरा कोई सा भी माइनस हो तो माइनस होगा, ये वाली बात बताई है इसमें। चलिए फिर अब एक ये चार नियम आपके दिमाग में आए, आपने क्लिक कर लिया या लिख लिया, जैसा भी हो फोटो खींच लिए। अगला महत्वपूर्ण बात है कि जब कैलकुलेशन में दोनों हो, गुणा भाग भी हो और प्लस माइनस भी हो, तो क्या करेंगे। वहां एक बहुत पुराना दोहा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे तो उसको नोट कर लीजिएगा। का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीतिये जान। ये का मतलब है ब्रैकेट या कोष्टक, भाग का मतलब डिवाइड करना, गुण का मतलब गुणा या मल्टीप्लिकेशन, और धन ऋण प्लस माइनस। देखिए ये दोहे में जमाना था तो उन्होंने पहले भाग ले लिया बाद में गुणा ले लिया, गुणा या भाग में कौन पहले बाद में करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में 2 का गुणा करके 3 का भाग देना है या 4 में पहले 3 भाग दे दो, लेकिन हाँ यदि 4 में 2 का गुणा करना है और 5 जोड़ना है, आपने पहले कर दिया कि 2 में 5 जोड़ दिया और 4 का गुणा कर दिया, तो उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। कि जब गुणा भाग और प्लस माइनस से संख्याएं जुड़ी हो तो पहले आप गुणा भाग करोगे बाद में प्लस माइनस करोगे, ये दोहा बोलता है। कि का करके पुनि भाग कर पहले को ब्रैकेट हल करिए, देन भाग करिए, देन गुणा, फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति ये जान। मतलब धन ऋण वाला काम जो है सबसे आखिरी में करना है, जब सब आपके कैलकुलेशन हो जाए गुणा भाग के और संख्याएं सब प्लस माइनस से जुड़ी आ जाए आपके सामने, तब आप प्लस माइनस करेंगे अपने वो नियमों के आधार पर कि समान चिन्हों की संख्याओं को जोड़ देंगे, असमान चिन्हों की संख्याओं को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये चाहे तो इसको क्लिक कर लीजिएगा आप, वही बात है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही, जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि गणित की जितनी बात मैंने बताई, ये 5 नियम आपको बताए हैं मैंने, 2 नियम बताए हैं गुणा भाग के, 2 नियम बताए हैं प्लस माइनस के, और 1 नियम बताया कि कब क्या करना है। ये 5 नियम यदि आपके दिमाग में है तो यकीन मानिए गणित में आपको तकलीफ नहीं जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। यही गलती होती है, इसी कारण पूरा गणित गड़बड़ होता है। बहुत छोटे से नियम, इतने बड़े नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा कि जिस पुस्तक से मैंने किया है उसमें आपको मिल जाएंगे, वो पुस्तक आप देख लीजिएगा। इसको क्लिक कर ले ज्यादा बेहतर है, इसको नोट कर ले ज्यादा बेहतर है, और इसी नियम के आधार पर मैं फिर बाद में कुछ पूछूंगा अभी आपसे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फिर मैं देखता हूं कि मध्यप्रदेश में कौन कौन लोग हैं जो फटाफट जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं। चलिएगा देखते हैं, एक छोटी सी गणना करते हैं। देखिए ये आपके सामने जो कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, ब्रैकेट भी है, सब चीज है। अब वही वाला नियम फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पहले 3 में 4 जोड़ेंगे कि 2 का भाग पहले देंगे,
एनी वन ऑफ यू, कोई बता पाएगा? ये ब्रैकेट हल करना है हमको। मैंने कहा था आपको, का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजानता, पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति ये जान। इसका मतलब क्या है कि पहले ब्रैकेट में भी वही नियम लागू होगा कि ब्रैकेट भी जब हल करना है हमको, देन पहले गुणा या भाग है तो उसको करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से यहां देखिए। यहां यदि आप पहले तीन में चार जोड़ दो, सात, दो का भाग दे दो, साढ़े तीन उत्तर आएगा, 3.5। जबकि वास्तव में चार में दो का जब भाग दोगे तो दो आएगा, और दो में तीन जोड़ोगे तो उत्तर वास्तव में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वो सही उत्तर है। ये गलती होती है यदि आपको का करके पुनि भाग कर दिमाग में नहीं है कि पहले आपको कोष्ठक हल करना है, देन गुणा भाग करना है, देन प्लस माइनस करना है। ये यदि आपके दिमाग में नहीं है तो यहां ऐसी गलती करते हैं। चलिए देखिए, मैंने उसको रेड से बताया कि इसको पहले करेंगे, चलिए उसको पहले कर देते हैं। पूरी स्टेपिंग समझा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को। बाकी चीज हमने वैसी उतार दी, चार में दो का भाग देकर जो आया उसको रेड में उतारा है दो, कि पहले हमने क्या किया वो डिवाइड किया। अब ब्रैकेट हल करना है तो ये प्लस ही है तो प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। 7 के बाद ब्रैकेट है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है। अब ये 7 और 5 का गुणा करना है आपको। अब देखो गुणा वाले सब एक साथ कर लेंगे हम, 5 × 3 भी कर लेंगे और -7 × 5 भी कर लेंगे। अब यहां चिन्हों संबंधी नियम लगेंगे, क्या लगेगा, 5 में जब 3 का गुणा करेंगे दोनों प्लस है तो उत्तर क्या आएगा, +15, 9 वैसा का वैसे ही उतर जाएगा। यहां जब -7 में 5 का देखो चिन्ह प्लस है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है, जब एक माइनस और दूसरा प्लस होता है तो क्या होगा, चिन्ह माइनस में आता है। तो यहां 57 जो आप निकालोगे वो कायम आएगा माइनस में, जबकि वहां 5 × 3 = 15 कायम आएगा प्लस में। देखिए अगली स्टेप, 15 + 9 और ये -35, क्लियर। क्यों माइनस आया, क्योंकि हमारे गुणा वाले नियम है कि यदि दो संख्याओं के चिन्ह असमान है और उनका गुणा करना है तो सदा माइनस आता है। चलिए फिर देखें आगे, अब देखिए 15 और 9 = 24 दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा और 35 माइनस का है। अब फिर वो वाला नियम लागू होता है जब संख्याएं जोड़ने वाला बताया था कि जब दो संख्याएं प्लस माइनस से जुड़ी हों और उनके चिन्ह असमान हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है और चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का रहता है। तो 24 में से 35 में से 24 घट जाएगा, 24 और 11 = 35। अब 11 का चिन्ह क्या होगा, -11। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये यहां किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ रेस करें, हाथ उठा दें, मैं बता दूंगा आपको, पूछ लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, पूरे इसमें अप्लाई हो रहे हैं, का करके पुनि भाग कर वाले भी, गुणा के भी और प्लस माइनस के, पांचों नियम इसमें अप्लाई हो रहे हैं। चलो एक और देख लेते हैं यार, एक और देख लेते हैं, एक बड़ा देख लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखना, इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। -8 × 3 / 2। अब देखो यहां गुणा और भाग साथ हैं, किसी को भी पहले कर लो, पहले गुणा कर लो या भाग कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए इधर देखें, +9 - 7 + 6 / 2 + 2, फिर ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या हल करोगे आप, ब्रैकेट हल करोगे, ब्रैकेट में भी क्या हल करोगे, 12 में 3 का भाग दोगे, 12 जो है देखो 12 का जो साइन है वो माइनस है, 3 का प्लस है, तो उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा, मतलब ये हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा। बाकी सब ऐसे ही उतार दें, बाकी एज इट इज उतारा है और ये 9 - 4 हो गया। अब 9 में से 4 गई तो 5 बचेगा, 5 में 2 का गुणा करो तो 10 आ जाएगा। देखिए एक स्टेपिंग की है नहीं की मुझे याद नहीं है, ये 2 × 5 हो गया, ठीक है। अब गुणा भाग वाले पहले कर लें हम, तो गुणा भाग वाला पहला सेट है -8 × 3 / 2। मैंने क्या बताया, गुणा पहले करो या भाग करो। अब यदि 3 में 2 का भाग देते तो 1.5 आएगा, 1.5 में 8 का गुणा करोगे 12 आएगा, तो वो गुणा करने में दिक्कत जाएगी, तो पहले क्या कर लो भाग देने में, पहले गुणा कर लेते हैं। 8 में 3 का गुणा किया 24, 24 में 2 का भाग दिया 12। अब मगर 1 माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो माइनस के साथ प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस होते चल जाएगा, -(+) - फिर -(+) - यदि कोई 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता,
तो यहाँ क्या उत्तर आएगा इसका, 12 आएगा। ऐसे 6 में 2 का भाग देना है, दोनों प्लस है, सीधा सीधा प्लस में आ जाएगा 3। यहाँ 2 में 5 का गुणा करना है तो प्लस 10 आ जाएगा। चलिए अगली स्टेप देखते हैं। -12 +9 -7 वैसे उतार दिया हमने, प्लस 6 में भाग दिया 2 का 3 +10। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए, अब माइनस माइनस संख्याओं को अलग जोड़ दीजिए, प्लस प्लस को अलग जोड़ दीजिए। माइनस माइनस को जोड़ के माइनस में ही लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस मत करिएगा। तो 12 और 7 माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 19 हो जाएगा। 9 और 3 12 और 10 22 प्लस का हो जाएगा। देखिए ये 22 हो गया आपका प्लस का, उसको पहले लिख दिया, माइनस का 19 है उसको बाद में लिख दिया। पहले या बाद में किसी को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यदि आप -19 +22 भी लिखते तो भी बात बराबर थी। अब 22 में से 19 गए, कितने बचे, उत्तर आ गया, दैट इज द आंसर। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आई होगी, जो नियम मैंने समझा है उस पर जो कैलकुलेशन डाले वो समझ में आए होंगे आपको, मैं आशा करता हूं आपसे। इसके बाद भी किसी को परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हैं वो। बारी अब आपकी है, देखें कौन फास्ट होता है ना। जो आपके ऑपरेटर है उनसे कह दीजिए कि माइक संभाल ले, थोड़ा माइक ऑन करेंगे पीछे। यस, माइक ऑन करिएगा प्लीज। हाँ जी, चलिए पहली बात, -4 -5 बराबर क्या होगा, बहुत सरल है, फटाक से हाथ उठना चाहिए, माइक उठाओ फटाक से, माइक लो, हाथ मत उठाओ, माइक उठाओ, जहां से बोलना है उठाओ। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? GDC गर्ल्स कॉलेज खंडवा से बोल रही हूँ। अच्छा, खंडवा से ही बोल रही है, मेरे कॉलेज से बोल रही है। मेरा नाम आयुषी गीते है। बोलिए बोलिए, कितना आएगा? -9 इज दीजिए। आपके साथ लोग जो बैठे हैं, गुड, चलिए। ये म्यूजिक की आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही आपको, मेरी आवाज आ रही है? चलिए दूसरा क्वेश्चन, आप लोग सब तैयार रहिए। बुरहानपुर ने कोशिश की थी, हेलो, हाँ हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज, बहुत सिंपल है। 1 + 5 × 3 − 1 सॉल्व करिए फटाफट। यस, हेलो सर जी, आप लोग आगे पढ़ना है। हेलो सर, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर खंडवा, कन्नौज से। कन्नौज से बोल रहे हैं, बोलिए कन्नौज वाले। कॉलेज खंडवा, दोनों एक साथ बोल रहे हो, खंडवा रुको, तुम कन्नौज को सुन रहे हो, अभी खंडवा सुना था है ना। 60 सर। यस, हाँ जी, 60 15 प्लस या माइनस? प्लस के, प्लस 15, बिल्कुल सही अंदाज उत्तर है भाई, तालियां बजाइए इन लोग के लिए। चलिए अगला देखते हैं थोड़ा सा। -3 × 5 + 2 बिल्कुल इजी है, आप मुखाग्र कर सकते हैं, सिर्फ नियम आपको याद रखने, वो देखना है मुझे। सर गर्ल्स कॉलेज खंडवा, हाँ बोलिए। -13 इज आंसर। -13 इज आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम वाला है, -13। हाँ बेटा हो गया था, पहले बता दिया है। चलो अगला देखो आप, तो -4 - 5 ब्रैकेट में -15। गर्ल्स कॉलेज नीमच। नीमच, यस बोलिए जी। सर आंसर इज 1। प्लस या माइनस? प्लस। प्लस 1 इज द राइट आंसर, गुड। क्लैपिंग करिए, आप लोग भी करिए, सब लोग देख रहे हैं, मध्यप्रदेश में सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को इनकरेज करिए, गुड। आप लोगों ने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का भी उतना ही ध्यान से देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा म्यूजिक भी डालते हैं इसमें।
कि आपको एकदम क्लास बोरिंग नहीं लगे। चलिए अब वो शुरू करते हैं जिसको शुरू करना था, युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होता है युगपत समीकरण? मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे सिर्फ हिंदी में ही थ्योरी बताना है, न्यूमेरिकल में मैं कोशिश करता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी फायदा मिल जाए। दो राशियों अथवा व्यंजकों के मध्य समानता अभिव्यक्त करने वाला कथन युगपत समीकरण कहलाता है। तो व्यंजक जब समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है कोई भी गणितीय कैलकुलेशन में, दैट इज ए इक्वेशन, वो एक समीकरण होगा। अब यहाँ व्यंजक से क्या मतलब है? व्यंजक से तात्पर्य ऐसे गणित पद समूह जिसमें संख्याओं तथा चिन्हों के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग होता है। एक्स वाई फाइव एक्स थ्री वाई टू जेड, ये जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड व्यंजक। तो ये व्यंजकों का प्रयोग होता है और इन पर गणितीय संक्रियाएं हो सकती है। गणितीय संक्रियाएं किसको कहते हैं? जो मैथमेटिकल प्रोसेस कौन कौन सी होती है? सेवन होती है। कौन कौन सी होती है? आप योग करते हैं, प्लस करते हैं, सम माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर इसके बाद उनका पावर निकालते हैं, घात निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। अंडर रूट जो करते हैं आप, मूल निकालना। अंडर रूट में बहुत सारे टाइप के होते हैं, थर्ड रूट, फोर्थ स्टैंड रूट, बहुत सारे निकलते हैं। और इसके बाद लॉग करते हैं, जिनके साथ भी ये किया जा सकता है। ये सात गणितीय क्रियाएं की जा सकती है, वो व्यंजक कहलाते हैं। चलिए तो सिंपल सी परिभाषा थी, जो एक फॉर्मेलिटी हमको बताना, हम काम की चीज जो बताएंगे जिससे आप न्यूमेरिकल हल करेंगे वो हम देखते हैं आगे। इसके महत्वपूर्ण नियम है युगपत समीकरण हल करने के, ये आपने टेंथ में पढ़े होंगे, आप भूल चुके होंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए, ये पुरानी चीज आप रिवाइव कर जाएंगे, याद आ जाएगा आपको पुराना। मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आपको। पहली चीज में बोथ पार्ट ऑफ इक्वेशन ये सदा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ऑलवेज इट्स इक्वल। जैसे तीन में नौ जोड़े बारह आता है, ये थ्री प्लस नाइन इज इक्वल टू ट्वेल्व लिखा है, दैट इज ऑल्सो इक्वेशन। या आप इसमें से तीन को हमने इधर भेजा तो नौ बराबर बारह ऋण तीन भी लिख सकते हैं, या नौ में से बारह घटाओ तो ऋण तीन आता है, इसको भी आप इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, गर्ल्स कॉलेज नीमच से बोल रहे हैं सर, आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता सकेंगे? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ ना बेटा? बेटा एक बात बताओ, पूरे मध्यप्रदेश में 15% इंग्लिश मीडियम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में आपको इंग्लिश बोलूँ। आप ये बीच में माइक आवाज़ ना मत करिएगा, जब मैं पूछूँ तब करिएगा। मैं जानता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है, मेरे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है मुझे मालूम है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए बस, ओके ओके, नंबर दो, समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष यानी एक राइट एंड लेफ्ट जो दो पार्ट होते हैं आपके इक्वेशन के, आप उसके दोनों पक्षों में किसी भी संख्या का एनी नंबर या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, या उससे डिवाइड कर सकते हो आप उसको। लेकिन ऐसा करने पर उसमें जो अज्ञात संख्या होती है एक्स वाई, मान जो होता है उसकी जो वैल्यू है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपने दो का गुणा कर दिया तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू उतनी ही रहेगी उसकी। कि x बराबर यदि 5 है तो 5 ही रहेगा। देखिए एक उदाहरण में समझाता हूं मैं आपको, जैसे 3x plus 2 is equal to 7 एक इक्वेशन है आपका, इसको पक्षांतर यदि करते हैं आप, 3x बराबर हो जाएगा 17 में से 2 हट जाएगा, 15 बचेगा। 3 को आप जब पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 15 बाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। मतलब x का मान कितना है इस समीकरण में? 5 है। अब देखिए गुणा करके देखते हैं हम। अब यदि उसके, अच्छा जब भी आप गुणा करेंगे तो दोनों पार्ट में करेंगे, राइट हैंड साइड एंड बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में आपको गुणा करना है। तो अब समीकरण के दोनों पक्षों में दो का गुणा करने पर क्या होगा? जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? देखिए 3x में 2 का गुणा होगा तो 3 दोनों 6x, 2 में 2 का गुणा होगा तो 2 दोनों 4,
17 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब यहाँ इसको पक्षांतर करके ट्रांसफर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आती है। देखिए 6x बराबर 4 को उधर ट्रांसफर किया, 34 माइनस 4 इज इक्वल टू 30। अब 6 को भी ट्रांसफर कर दें, 6 का चूंकि गुणा है मल्टीप्लीकेशन है उधर जाके भाग होगा, ये नियम बाद में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5। तो हमने समीकरण में 2 का गुणा किया था, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 2 से, लेकिन x की वैल्यू अनचेंज्ड रही। यही बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि किसी भी समीकरण में आप कितने का भी आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, एक्स वाई जो अज्ञात राशियां हैं इनकी वैल्यू अनचेंज रहती है, इनके इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। यही करके हम विलोपन विधि में समीकरणों को अज्ञात राशियों को बराबर करते हैं। अगला देखते हैं, किसी ज्ञात या अज्ञात राशि को समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। ये जो इक्वेशन का जो मार्क होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है, आपके जो राइट हैंड साइड लिखा रहता है उसको राइट हैंड साइड वाला पक्ष बोलते हैं, जो लेफ्ट में लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों पक्षों में जब भी इधर से उधर कोई चीज ट्रांसफर होती है, बराबर की सीमा रेखा को जब भी लांघा जाता है तो ये नियम लागू होते हैं। लेकिन बराबर की सीमा के अंदर ही आप चेंज करना है तो आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई चिन्ह संबंधी नियम नहीं लागू होते वहां। हाँ, आपको ऊपर की सीमा रेखा क्रॉस करनी है तो समझ लीजिए कि आपको ये नियमों का पालन करना होगा, सिर्फ 2 नियम। ये पक्षांतर क्या होता है ये देख ले पहले। जैसे 6x+4 अभी पिछले उदाहरण में हमने देखा था, 6x+4 इज इक्वल टू 34। अब यहाँ हमको 4 को ट्रांसफर करना है, 4 को 4 को पक्षांतर करना है। तो 4 का यहाँ नियम यह है कि यदि प्लस माइनस से संख्या जुड़ी है तो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 4 का चिन्ह जो था इधर प्लस है, इधर जाके देखिए जब पक्षांतर किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये नियम बाद में और देखेंगे हम। तो ये 34 में से 4 माइनस हो जाएगा। अब 6x बराबर बचा 30। अब 6 को जब ट्रांसफर करना है आपको तो देखो 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं है तो सदा क्या माना जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा कि 6 गुणा x है ये। तो जब संख्याएं आपस में गुणा या भाग से जुड़ी हो और इसके बाद उसको ट्रांसफर करना है तो ऐसे ट्रांसफर में प्लस माइनस वाला चेंज नहीं होगा। फिर क्या होगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, चिन्ह सेम रहेगा उसका, जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह लेके चल जाएगा वो। तो अब यहाँ देखिए 6 यहाँ गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6। 30 में 6 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5, है ना। तो ये ऐसा इसको पक्षांतर करने का सिर्फ बताया, यहाँ x का मान निकालना नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि प्लस माइनस से जुड़ी हो चाहे गुणा भाग से जुड़ी हो, जब एक साइड से दूसरे साइड, भले वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाए, किसी भी साइड में ट्रांसफर करें वो पक्षांतर या ट्रांसफर कहलाता है। चलिए अब वो पक्षांतर वाले जो नियम बताए थे आपको, है ना, यही बात आप स्क्रीन पर देख लीजिए जो मैंने अभी बताई कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं, प्लस माइनस से जुड़ी है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसे यदि गुणा भाग से जुड़ी हो तो फिर प्लस माइनस का चेंज नहीं होगा। ये उदाहरण में समझा दिया है, वही बात है। गुणा भाग से जुड़ी है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, मगर जब गुणा भाग से ट्रांसफर करें आप तो प्लस माइनस का चेंज नहीं होगा। जैसे 6x को हमने डाला था, 6x बराबर 30 था उसमें, तो हमने क्या किया था, x बराबर 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 का इधर भी प्लस था चिन्ह, उधर भी प्लस ही रहेगा। गुणा भाग से जब ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस वाला चेंज नहीं आएगा। देखिए एक उदाहरण है, 3x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो यहाँ 3 का जो मल्टीप्लीकेशन था x से, इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है, 12 में डिवाइड कर दिया उसको।
चलिए अब इसके हल करने की विधियां हम देखेंगे। इसकी टोटल 5 विधियां हैं, 5 मेथड्स टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें से कुछ आपने पढ़ी होंगी 10th में। पहली है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। इसमें दो पक्षों, दो जो समीकरण दिए होते हैं उसमें एक से वाई को बराबर करके एलिमिनेट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बराबर करके जीरो कर देते हैं उसको, उसको भगा देते हैं वहां से और दूसरे का मान निकाल लेते हैं। इसलिए उसको चूंकि विलुप्त किया जाता है इसलिए विलोपन विधि कहते हैं, एलिमिनेट किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड वन है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वैसी रखी जा सके, चाय में शक्कर की जगह गुड़ डाल दीजिए तो गुड़ जो है चाय का सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ऐसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु रखी जा सके, स्थापन या सब्स्टिट्यूशन। फिर तीसरी है कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। दो चीजों की तुलना करना, कंपेयर करना जो होता है, तो कंपैरिजन मेथड। चौथी है आपकी वज्र गुणनफल विधि या क्रेमर्स का रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें एक फार्मूला रहता है और बगैर फार्मूले के दोनों बताना है, मगर आज शायद वो संभव नहीं होगा। अगले पीरियड में मेरा लगातार अगले सोमवार भी है, अगले में मैं ये चीज बता पाऊंगा। और पांचवी है आपकी ग्राफिकल मेथड या लेखा चित्री विधि। ग्राफ पेपर पर भी आप अपने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको प्लॉट करके और एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। जो दूर से क्लिक कर रहे हैं ना उनका बराबर क्लियर आ नहीं पाएगा बेटा, पास वाले सामने वाले तो कह दो क्लिक कर लो। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, बीच में जब ये समाप्त होगा मेरा लेक्चर तो मेरा ईमेल आईडी आएगा, आप मुझसे कभी भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप मेल यदि मुझे भेजेंगे तो मैं बराबर जवाब देता हूं अपने बच्चों को। साथ ही मैं आपसे एक अपेक्षा और करूंगा कि आप जब मेल करें तो मुझे फीडबैक भी दें प्लीज, वो इंग्लिश हिंदी वाला छोड़ के बाकी सब फीडबैक दीजिएगा। ये इतनी लेवल तक ही इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कारण ये मुझे सबका ध्यान रखना है। और समझने में कंटेंट में जो भी आपको लगता है कि और ये चीज होना चाहिए वो भी सुझाव देंगे। जितनी आलोचना करना कर दीजिए, सर बहुत बुरा लगा तो बिल्कुल लिख दीजिए, बहुत बुरा लगा सर आपका लेक्चर, बहुत ही बकवास किया आपने, बिल्कुल लिख दीजिए, जैसा लगा आपको वैसा लिख दीजिए। बुराई भी लिखना है तो लिखिएगा आप और मुझे मेल करिएगा, ठीक है। ये फीडबैक मुझे इसलिए चाहिए ताकि मुझे पता लग सके कि मैं और क्या करूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मुझे जो आता है वो आप तक पहुंचे और एक एक तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपसे फीडबैक मांग रहा हूं। और बिल्कुल आलोचना करने में बिल्कुल संकोच मत करिएगा, मुझे मजा आएगा आपकी आलोचना पढ़ के भी, क्योंकि मैं उसमें और सुधार करूंगा फिर, ठीक है। और ये आपकी आदत डालिए कि यहां से जो भी होता है उसकी फीडबैक आप जरूर दीजिए। चलिए विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको जल्दी जल्दी समझते हैं। आपने किया है, आपको मालूम है कि दो समीकरण दिए होते हैं उसमें से किसी एक अज्ञात राशि को आप बराबर करते हैं, कोई भी एक उठाते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स को या वाई को किसी एक को दोनों समीकरण में बराबर करके और हम उसको काटते हैं। वो प्रोसीजर जो है वो कैसी है वो देख लेते हैं। इस विधि में चलो ये तो थ्योरी है, ठीक है, ये जो अज्ञात संख्या x और y होती है इनको वेरिएबल कहते हैं, और जो ज्ञात संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 जो नेचुरल नंबर है इनको बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक, और ये चर। अब देखिए क्या करना है हमको, उद्देश्य क्या है हमारा, वी हैव टू इक्वल वन वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशंस। दोनों समीकरण में एनी वन ऑफ एक्स आर वाई, कोई सा भी एक, दोनों में इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए हमको देखना होगा कि क्या एक समीकरण में गुणा करने से काम हो जाता है, तो एक से कर लेंगे। यदि दोनों में गुणा करना है तो दोनों से करेंगे, दोनों को करना पड़ेगा फिर अपने को, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे तय करते हैं, ये वाली बात देखते हैं। अब जब दोनों में कोई एक को हम जब बराबर कर लेते हैं, एक से वाई किसी को भी इक्वल कर लिया हमने, इसके बाद फिर हमको देखना पड़ेगा कि उनके दोनों के चिन्ह कैसे हैं भाई,
दोनों के यदि समान चिन्ह होंगे तो जोड़ने पर वो जुड़ जाएंगे आपस में, समीकरणों को यदि हमने एड किया तो वो जुड़ जाएगा। हमारा उद्देश्य उसको एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेट तो तभी होगा जब जो समान किया है जिसको भी, मान लो हमने 10x 10x दोनों बराबर किया, तो वो 10x जो दोनों बराबर किया है एक 10x प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में। यदि ऐसा है तो सीधे लिख देंगे दोनों समीकरण, वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। हम लिख देंगे जोड़ने पर एड इक्वेशन नंबर 1 × 2। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो फिर हम दूसरे समीकरण को घटाएंगे, सबस्ट्रेक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ये लिखेंगे और जिसको घटाएंगे उसके सब चिन्ह बदल जाएंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं आगे स्लाइड में। देखिए यहां देखिए दो समीकरण लिए हैं हमने, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 48 और 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 41। यहां दोनों में देखिए 5y दोनों में बराबर है और दोनों के जो चिन्ह हैं वो दैट इज नॉट सेम, एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर आप लिख दोगे एड द बोथ ऑफ द इक्वेशन, तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। देखिए कैसा होगा, यही बात जो मैं आपको कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल रूप में लिखी है। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि समान हो तो फिर चलिए इसको हल नहीं किया है अभी, आगे उदाहरण में हल कर देंगे। देखिए दोनों बातें पढ़ना है आप, यदि ये जो दोनों बराबर हैं 5y 5y, अब दोनों को समझने की कोशिश करिए, ये दोनों के चिन्ह यदि समान होते, मतलब इधर भी सेकंड वाले में भी प्लस 5y होता, इन केस इधर भी प्लस 5y, तो फिर हमको दूसरे समीकरण या पहले मतलब एक में से दूसरे को घटाना है, जिसको घटाना चाहो वो भी आप फ्री हैं। लेकिन जो भी समीकरण घटाया जा रहा है उसके सभी चिन्हों को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा मतलब चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज हो जाएंगे वो, जिसको माइनस करना है उसको। अब एक उदाहरण पूरा हल करते हैं समीकरण का, देखिए कैसा होता है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, वही वाला समीकरण लिया हमने। अब चूंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान है। ये जो गुणांक शब्द है कोएफिशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, जो x और y के सामने जो अंक लिखा रहता है वो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। जैसे 4x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -5। कोएफिशिएंट जो है वो चिन्ह सहित बोला जाएगा। चलिए अब देखो दोनों के चिन्ह असमान है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, इट्स नॉट सेम, तो क्या होगा दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या स्थिति आएगी, ये लिख दिया है कि नीचे एक। अब क्या हुआ, 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, ये काट दिया, ठीक है। अब देखो 3x और 4x दोनों के चिन्ह प्लस हैं, तो प्लस है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7x। लेकिन 48 और 41 का चिन्ह अलग अलग है, 48 का प्लस है 41 का माइनस है, तो घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो ये 7x इज इक्वल टू 7, तो x बराबर 7/7, पक्षांतर किया हमने, 7/7 दैट इज आंसर विल बी 1। ओके, इज इट क्लियर, आपको समझ में आया जी। अब ये x का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकल आएगा। अब यहां पहले समीकरण में रख रहे थे, आपको याद नहीं होगा पहले है, ये 3x प्लस 5y बराबर 48 था पहला समीकरण। x की जगह जब भी मान रखे ब्रैकेट में रखें, क्योंकि x का मान प्लस भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है किसी सवाल में, तो इसलिए जब भी मान रखें उसको ब्रैकेट में रखने की एक आदत डालें। हाँ, जैसा ब्रैकेट रखे हैं 3×1 भी लिख सकते थे। चलिए तो 3 में 1 का गुणा किया, 3 × 1 = 3 होगा, 5y बराबर हो जाएगा, ये समीकरण बताएं कि ये समीकरण था जिसमें मान लिखा है, मान रखा है।
अब 3 + 5y बराबर 48, 3 को पक्षांतर कर दो, 5y बराबर 48 माइनस 3 हो जाएगा। पूरी एक एक स्टेप समझाने के लिए लिखी है, आप जब बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो फटाफट कर लेंगे, आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 को पक्षांतर करने पर ट्रांसफर 3, 5y इज इक्वल टू 48 माइनस 3 या y बराबर 48 में से 3 घटाया 45 बचा, 5 को पक्षांतर किया, 5 को ट्रांसफर किया, 5 का मल्टीप्लीकेशन था y से, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया 45 डिवाइडेड बाई 5, तो y बराबर आ गया उत्तर आपका 9, x बराबर आपका 1 आया था, y बराबर 9 आया, ये आपका इक्वेशन हल हो गया। अब देखिए अभी तक जो था वो दोनों के गुणांक असमान थे, अब समान हो तो क्या होगा, एक सवाल देख लेते हैं कि दोनों जो बराबर किए उनके चिन्ह समान है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीज पहले से आ गई है, ये वाली बात जो मैंने अभी बताई थी आपको कि जिस घटाते हैं कैसे बदल जाते हैं, ये देखिए आप, ये दो समीकरण मान लिए हमने 3x + 4y बराबर 22 और 5x + 4y इज इक्वल टू 26, यहां 4y के साइन दोनों इक्वेशन में सेम है, उसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो अब यहां क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन को पहले में से घटाने पर, ओके हैं, फोर एक्स प्लस 5y बराबर 22, 5x + 4y बराबर 26 दोनों लिख दिए, अब चूंकि घटाने पर लिखा है सब्सट्रैक्ट करना है, देन जो सेकेंड इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, यहां तीनों के प्लस हैं तो तीनों के माइनस हो जाएंगे, इन केस कोई इसमें से माइनस होता तो वो प्लस करना पड़ता आपको, तो देखिए रेड में आ रहा है आपके, उसमें तीनों के माइनस हो जाएंगे, इसमें बराबर स्क्रीन पर आ क्यों नहीं रहा है, हाँ आ गया, अब 5x भी माइनस का हो गया, 4y भी माइनस का हो गया, 26 भी माइनस का हो गया, अब यहां 4y से 4y कट जाएगा तो बचेगा क्या 3x - 5x, अब 3x प्लस का है और 5x जो है वो माइनस का है, तो जुड़ने के बजाय घट जाएगा, तो 5x में से 3x घटाओगे तो बचेगा 2x, चिन्ह रहेगा 5 बड़ा था, 5 का चिन्ह माइनस है तो -2x बचेगा, ऐसे 26 में से 22 घटाओगे तो -4 बचेगा, यह आया आपका -2x बराबर -4, यदि बोथ साइड चाहे साइन माइनस हो तो माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो जाता है। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको, घटाने पर ये याद रखेंगे कि सबके चिन्ह बदलेंगे, ऐसा नहीं कि जिसको आप काटना है उसके चिन्ह बदल दो बाकी को छोड़ दो, ऐसा नहीं चलता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अभी कट गया, उत्तर क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 4 / 2 यानी x बराबर आ गया आपका 2। अब ये x बराबर 2 किसी में मान रख दोगे, यहाँ मुखागर भी आप कर सकते हो, 3x + 4y बराबर 22, 2 रख दिया, 3 × 2 = 6, 6 को पक्षांतर किया, 22 में से 6 गया बचा 16, 16 में 4y तो 4 का भाग चल जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये मुखागर भी हल कर सकते हो आप, देखो चलो वो वाली बात जो मैंने कही थी दोनों पक्षों के यदि माइनस है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये छोड़ दो क्या थ्योरी है, आप तो सीधा देखो क्या आ रहा है, ये दो हैं 3x + 2y बराबर 13, 5x - 2y बराबर 11, सिंपल सी बात है, यदि ऐसा दिया है दोनों के समान है आप लिख दोगे जोड़ने पर, जोड़ने पर सीधे से 2y कट जाएगा, एक उदाहरण ले लिया आपका है ना, ये आप कर चुके हैं पहले, अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें बराबर करना है, यहां इसको ध्यान से देखेंगे आप, अभी तक हमने जितने उदाहरण लिए थे उसमें कोई ना कोई वेरिएबल समान था दोनों इक्वेशंस में, x या y, जैसे y दोनों में समान था तो हमने सीधा सीधा हल कर लिया, अब यहां ना तो x समान है ना y समान, यहां क्या करेंगे आप, तो वेरी फर्स्ट आपको ये देखना है कि क्या किसी एक की संख्या में गुणा करके दूसरा अंक ला सकते हैं, अब जैसे 7 और 9 में 9 बड़ा है, 7 में किसी संख्या का गुणा करके 9 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, 7 में 2 आएगा 14 आएगा जो 9 से ज्यादा है, या 3 का 5 ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो पहले तो ये देखना चाहिए, यदि ला सकते हैं तो उसी समीकरण में गुणा करके बराबर कर दीजिए,
मान लीजिए 9x की जगह 14x होता, 14x होता, तो हम क्या करते, समीकरण नंबर एक में 2 का गुणा कर देते तो x दोनों में बराबर हो जाता। लेकिन जब ऐसा नहीं हो तो फिर दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ता है। देखिए यहां क्या किया है, अब यहां 3 और 5 छोटी संख्या है तो हम 3 और 5 का उल्टा सीधा गुणा कर देते हैं। 5y 2 में है और 1 में है 3y, तो 5 का गुणा 1 में कर दो, 3 का गुणा 2 में कर दो। मगर करोगे पूरे समीकरण में, ये याद रखिएगा, यहां गलती की गड़बड़ हो जाएगी, यहां गलती आपको नहीं करना है। चलिए करते हैं। तो देखो लिखा है समीकरण नंबर 1 में 5 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन है। इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। देख लेते हैं, देखो 7 में गुणा किया 57x, 3 में गुणा किया 3 5 15y और 31 में गुणा किया 155। यहां मैं इसलिए बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इधर तो गुणा कर देते हैं, ये तो दोनों तीनों संख्या हम कर देते हैं, इधर की संख्या भूल जाते हैं। 31 वैसे लिख दिया उठा के, पूरा सवाल गलत। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि दोनों पक्षों में आपको गुणा करना है। ऐसे ही वो दूसरे में 3 का गुणा करके लिख दिया। अब दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, है ना, समान समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे और दूसरे को घटाएंगे। देखो घटाएंगे, अब लिखा हमने चूंकि दोनों के समान है ना, अतः पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पर, सब्स्ट्रेट करने पर क्या हुआ, अब दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल गए, लाल में आ गए। देखिए बदल गए मतलब क्या हुआ, 27x का प्लस था तो माइनस हो गया, 15y का माइनस था तो प्लस हो गया, और 123 का प्लस था तो माइनस, तो ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 15y से 15y कैंसिल हो जाएगा, 35x प्लस का है, 27x जो है 27x जो है वो माइनस का है, तो 35x में से 27x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8x, क्योंकि 35 प्लस का है इसलिए 8 भी प्लस का होगा। ऐसी 155 में से 123 घट जाएगा, सिंपल सी बात है ना। ये चिन्ह बदलना अच्छे से समझ लेना, आप नहीं हो तो इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये बचा 8x इज इक्वल टू 32, तो x बराबर क्या होगा, 32 में 8 का भाग दिया, उत्तर आ गया 4। अभी किसी एक में मान रख दें, x बराबर 4 हमने रखा है जो आया था। चलिए दो समीकरण दिए हुए हैं, किसी समीकरण एक में x का मान रख दो, 7x माइनस 3 बराबर 31, x का मान 4 रखा तो सचोक 28 हो जाएगा, है ना, ये ऐसा मान रखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, y का मान निकालेंगे, y का मान आएगा -1। हाँ यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जैसे एक समीकरण में आपने मान रख के y का मान निकाल लिया, अब दूसरे समीकरण में भी रख के देखिए कि वही मान आता है या नहीं आता है, इससे आप आपका वेरीफाई कर लेंगे कि सवाल आपने सही किया है या गलत किया है, ये उत्तर की पुष्टि दोनों में कर सकते हो आप। दोनों का x और y का मान रख दो आप, तो बराबर आ जाना चाहिए समीकरण का, ये तरीका भी है। समीकरण 2 में भी देखो x और y का मान हमने जब रख दिया तो जो लेफ्ट हैंड साइड जहां x y था वहां भी देखिए वही आ गया जो राइट हैंड साइड था, 41 था तो 41, 31 था तो 31, ठीक है। चलिए समय है अभी 2 मिनट है, चलिए समय समाप्त हो रहा है। ये प्रतिस्थापन विधि हम अगले हफ्ते देखेंगे, तो यदि आपने पुस्तकें ले ली हैं तो थोड़ा सा देख के आइएगा आप, हम एंड पे जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यहां अपने पास 2 मिनट का समय है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जितना बताया है इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये जो पूरा लेक्चर है इस बुक से तैयार किया था, इसमें वो नियम भी पूरे मिल जाएंगे आपको। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप नोट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, आप जब भी मेल लिखेंगे मैं बराबर जवाब दूंगा आपसे, जो नहीं बनता है जो भी प्रॉब्लम है आप सब भेज देंगे, मैं सब सॉल्व करके भेज दूंगा आप, लेकिन फीडबैक जरूर लूंगा आपसे पहले, ठीक है। गिव एंड टेक, आप मुझे फीडबैक दो, मैं तुम्हें सवाल हल करके दूंगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में जब आप आए तो इससे संबंधित भी कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप उसमें पूछ सकते हैं, और आप थोड़ा सा देख के आइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।